ठंड लग गई है, सर्दी लग गई है और आप बहुत ज़्यादा परेशान है तो बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसमें आपके एक भी रुपए शायद नहीं लगने वाले हैं, लेकिन ये जो नुस्खा होगा पहली बार आप पहली बार इस्तेमाल करेंगे, आपकी जो सर्दी होगी, जो ठंड होगी, ये नुस्खा उसे खींच लेगा और आपको राहत मिल जाएगी। जी हाँ, सर्दी खांसी जुकाम से आप परेशान हैं तो ये नुस्खा ज़रूर ट्राई करेगा। बहुत ही सरल ये नुस्खा है और इस नुस्खे में शायद आपके एक रुपए या उससे भी कम पैसे खर्च हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। ज़्यादा सस्पेंस में ना रख के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, जी हाँ आप इसे बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये है पान के पत्ते जो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। आपको अगर आपको सर्दी लग गई है तो आपको इस पान के पत्ते का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आपको सिंपल सा एक पान का पत्ता लेना है, ठीक है, और इसे तवे के ऊपर रखना है। जी हाँ, आप तवे के ऊपर जो हरा वाला पार्ट डार्क हरा होता है वो आप इस तरह आप रख देंगे तवे के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर आपको 2 से 3 बूंद देसी घी की लगानी है। देसी घी, अगर गाय का घी है तो अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी देसी घी आप इस पर लगा सकते हैं। इसके ऊपर आपको 1 चुटकी केवल सेंधा नमक छिड़कना है और उसको अपने सीने पर इस तरह, आप जब इसको उठाओगे ना तो ये बहुत गर्म होगा लेकिन बहुत जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो आप उतना रखिए, देख लीजिएगा कि आप जले ना, आपकी स्किन को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। आप अंदाज करके आपको इस तरह अपने सीने के ऊपर रखना है और उसके ऊपर आपको जो भी आपके सर्दी के कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, आपको पहन लेना है। सिर्फ इतना करना है, आप इसे रात में सोते टाइम भी कर सकते हो। देखेंगे कि आपको पहली बार से कफ नज़र आएगा, जो सर्दी की प्रॉब्लम है, जो ठंड लग जाती है हमें, वो ठंड वो सर्दी ये नुस्खा खींच लेगा। सर्दी खांसी जुकाम में ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। दोस्तों ये नुस्खा आज का नहीं है, बहुत ही पुराने टाइम का है। अगर आप चाहो तो अपनी दादी वगैरह से, दादी नानी से पूछ सकते हैं, वो भी बताएंगे कि ये नुस्खा बहुत ही काम का है। दोस्तों आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। आपका जो कमेंट्स होता है दूसरे को नुस्खा ट्राई करने के लिए मोटिवेट करता है, शायद आपका कमेंट उनके लिए हेल्पफुल लग जाए बन जाए तो प्लीज़ हेल्प करेगा और मतलब कमेंट करिएगा और उनकी हेल्प करेगा, और आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट करिएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही काम का है, इसलिए ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार आए तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है क्लिक कर दो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।